Good morning children In our last class we have read two stories of water First is from Nalamada Andhra Pradesh and second is from Nea Gaon Maharashtra and we already have discussed questions of first story today we will discuss questions of second story let us start first question is हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस वैन क्या आपने कभी अपने हाउस में वाटर की शॉर्टेज फेस की है और कब सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिड यू डू देन तब आपने क्या किया थर्ड हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड वैन और आप कभी पानी में खेले हो कहाँ और कब नेक्स्ट इज आर देयर टाइम्स When you are not allowed to play in water what are the reasons for this kya kabhi aisa time tha jab aapko pani mein khelne ke liye permission nahi mili aur uske kya kya reasons hai next the water park had a lot of water to play in water park mein khelne ke liye bahut sara pani hota hai but the nearby village did not have water even to drink discuss The water park had a lot of water to play in. Water park में बहुत सारा पानी था जिसमें खेल रहे थे But the nearby village didn't have water even to drink. Discuss. और जो दूसरी story में हमने क्या देखा था एक story में तो बहुत सारा पानी था एक story में बहुत कम पानी था उनके पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं था तो इसको discuss करो Next is if you go to water park, find out from where the water comes to the park. कि अगर आप कहीं वाटर पार्क जाते हो फाइंड आउट वहां पे देखो कि वहां पे पानी कहां से आ रहा है पार्क में कभी नोटिस किए कि वाटर पार्क में पानी कहा से आता है दीज आर सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्टोरी नंबर टू विच वॉज वॉटर गेम्स सो डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर पेरेंट्स एंड देन

द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल हाउस क्या था बहुत शांत था और कूल था एंड शाइनिंग क्लीन बड़े अच्छे से क्लीनिंग की हुई थी वहां रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर रजिया क्या रीड कर रही थी न्यूज पेपर इज इट अ अलीडे टूडे वो किसको पूछ रही है टू दीपक की क्या आज हॉलीडे है शी आस्क उसने पूछा शी स्विच ऑन द टीवी उसने टीवी स्विच ऑन किया

पुष्पा को कह रही है कि उसने न्यूज़पेपर में देखा है कि गटर का पानी किस में मिक्स हो गया ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स में तो एक क्वेश्चन था कि वाटर डर्टी कैसे होता है जब वाटर मिक्स होता है विद गटर वाटर तो इट बिकेम डर्टी इन दिस एरिया इट सेज दैट

होती हैं इट क्रिएट्स डिहाइड्रेशन इन आर बॉडी इससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होती है डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन आर बॉडी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और हमें वॉमिटिंग लगती है इसके कारण गंदे पानी से हमने यूजिन की थी ना डिसीज स्प्रेड बाय वाटर नेक्स्ट वाई डोंट

ऑलसो टेक होम समी तो उसको बोले की आप अपने साथ भी कुछ बॉइल्ड वॉटर लेके जा सकते हो ले जाना दीपक वॉज हैपी टू हियर दिस दीपक खुश क्यों हुआ ही थॉट एट लीस्ट टूडे आई विल नॉट है लाइन फॉर आर्स टू गेट वॉटर फॉर आर हाउस वो कहता है कि एटलीस्ट वो सोच रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आज के दिन मेरे को पानी लेने के लिए क्यू में नहीं खड़े होना पड़ेगा इट्स अ रियल हॉलीडे फॉर मी वो सोचता कि अब हाँ, तो सच में मेरे लिए ये हॉलीडे ही हुई क्लियर नेक्स्ट इज राइट इन योर नोटबुक बट यू डोंट राइट वी विल राइट दिस क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर फर्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन टेंशन वाई वॉज रजिया वरिड वेन शी रेड द न्यूज पेपर जब रज़िया ने न्यूज पेपर रीड किया तो उसको क्यों टेंशन हुई क्योंकि उसने क्या कौन सी न्यूज रीड की थी कि गटर वॉटर इज मिक्सड विद ड्रिंकिंग वाटर पाइप के गटर का पानी पीने वाले पानी के साथ मिल गया है सेकेंड इज रजिया आज दैट

तो किस वे से उसने पानी को क्लीन किया बाय बॉइलिंग द पानी को बाइल करके नेक्स्ट डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वॉटर क्या आप पानी को क्लीन करने की और भी वे जानते हो डिस्क्राइब डिब तो उसको डिस्क्राइब करो इन लास्ट क्लास वी केम टू नो अबाउट दीज मैथ फर्स्ट इज बॉइलिंग वॉटर सेकेंड इज टू एड क्लोरिन टैबलेट्स नेक्स्ट इज स्पोज वाटर विदाउट इट वैपन के ये सपोज करो कि रजिया अगर वो न्यूज ना पढ़ती तो सारे लोग वो पानी तो सारे वो पानी पी लेते बिना बॉयल किए तब क्या हो सकता था तब क्या हो सकता था तो उनको डिसीजेस लग जाती कैसी डायरिया वॉमिटिंग क्लियर नेक्स्ट इज डिस्कस वेयर दीपक लिव्स everyone has to to stand in a queue to fill water from the common public tap. in Razia's house water comes all the day in a tap. why is this? k दीपक कहाँ रहता था जहाँ उसको पानी भरने के लिए क्यू में खड़े होना पड़ता था पब्लिक टैप से और रजिया के हाउस में water कहाँ से आता था सारा दिन वाई इज this ऐसा क्यों है रीड the स्टोरी एंड ट्राई टू सर्च इट्स आंसर नेक्स्ट इज रजिया रेड न्यूज अबाउट द वॉटर इन द न्यूजेपर हैव यू रेड एनी न्यूज अबाउट वॉटर इन द न्यूजेपर वाइंड ऑफ न्यूज रजिया ने तो न्यूज पेपर में वॉटर की न्यूज रीड की क्या आपने भी कभी न्यूज पेपर में वॉटर की न्यूज रीड की और किस टाइप की न्यूज रीड की है कभी की हो देन यू कैन डिस्कस नेक्स्ट वी हैव डू एंड डिस्कस लुक थ्रू The newspapers of last one month. Look for all news items related to water. Cut them out. Stick all the cuttings together on a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected. Discuss in the class. So you can leave this question for the time being. We will do this question after some time. Because these days,

देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन दिस कैन बी डेंजरस ये डेंजरस हो सकता है अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए इफ़ वी डू नॉट टेक केयर अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेकअप फॉर द वॉटर दैट वी लॉस फ्रॉम आर बॉडी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी बॉडी में जो पानी की कमी हुई है उसको कैसे कवर करना है सो लिसन दिस केयरफुली वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए वैन दिस हैपन्स जब ऐसा होता है वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वॉटर तो हमें पानी में क्या मिक्स करना चाहिए सॉल्ट एंड शुगर वट शुड वी डू वैन वी हैव डायरी एंड वॉमिटिंग वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर एंड वी शुड ऑल्सो मिक्स सम वॉटर विद शुगर वाटर शुगर एंड सॉल्ट इनको मिक्स करके भी पीना चाहिए सी द पिक्चर इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड शुगर फॉर दिस मिक्स वन टी स्पून शुगर वन टी स्पून ऑफ शुगर एंड पिंच सॉल्ट पिंच सॉल्ट हल्का थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट पिंच इन वन ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर कौन से वाटर में बॉइल्ड एंड कूल करके ठंडा करो उसमें मिक्स करो सॉल्ट एंड शुगर टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देर इज नॉट टू मच सॉल्ट तो टेस्ट करके आपने चेक करना है कि इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट तो नहीं है द वॉटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स तो पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए इन्होंने लिखा दैन आर टीयर्स हमारे टीयर्स होते हैं वो भी सॉल्टी होते हैं लेकिन लेकिन पानी का जो टेस्ट है बहुत ज्यादा सॉल्टी ना हो वेन अ पर्सन हैज डायरिया एंड वॉमिटिंग द वॉटर मस्ट बी सिफ्ड स्लोली बाय दैम जब किसी पर्सन को डायरिया होता है या वॉमिटिंग होती है तो उनकी बॉडी में धीरे धीरे पानी कम होता जाता है लाइट फूड मस्ट बी टेकन तो क्या करना चाहिए उनको लाइट फूड खाना चाहिए बेबीज हैं छोटे बच्चे हैं बेबीज बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज अ गुड फॉर देम बेबीज को मदर्स मिल्क लेना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए अच्छा होता है इट इज आल्सो नेसेसरी टू टेक नेसेसरी यू नो द स्पेलिंग ऑफ नेसेसरी necessary. necessary It is also also to take some medicines. medicines. They can also be homemade remedies. होम मेड घर में बनी हुई रेमेडीज भी होनी चाहिए घर में अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो आप घर में क्या कर सकते हो जैसे कि हमने वो एक सोल्यूशन बनाया था सॉल्ट शुगर और water का

And we have discussed some questions related to this story. Then we have discussed about what happened to our body when we have diarrhoea and vomiting. We have learned that we lost a lot of water from our body, and for this, we should drink a lot of water. We should drink a solution also. Solution of what?

ऑफ आर डॉक्टर तो डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां से डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं क्लियर इट इज आर स्टोरी आफ्टर इट वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड वी विल राइट क्वेश्चन आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल चैप्टर सो रीड इट अगेन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वॉटर एंड डिसीज Created by contaminated water and contaminated food, and what should be done if we have that disease? Clear? So, read it properly. Thank you.